बरसात आते ही हर तरफ हरियाली छा जाती है, वहीं आंखों के लाल होने का खतरा मंडराने लगता है। आंखों में चुभन, पानी निकलना, आंख लाल होना और आंखों में जलन और खुजली हो तो समझ ले कि आपको आई कंजक्टिवाइटिस की बीमारी हो गई है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। What is conjunctivitis? Conjunctivitis को अक्सर गुलाबी आंख कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब कंजक्टिवा को किसी संक्रामक या एलर्जी से इरिटेशन होती है। आपकी आंखें लाल यानी कि सूजन हो जाता है और कभी कभी उनमें चिपचिपा लिक्विड भर जाता है। आपको एक या दोनों आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कुछ प्रकार की गुलाबी आंखें बहुत संक्रामक होती है और ये बहुत आसानी से दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाती है। तो देखते हैं इसके सिम्टम्स। एक या दोनों आंखों में रेडनेस, एक या दोनों आंखों में खुजली होना, एक या दोनों आंखों में किरकिरापन, एक या फिर दोनों आंखों में अधिक पानी निकलना, एक या फिर दोनों आंखों पे रोशनी चुभना, इसके क्या कॉज हो सकते हैं? कंजक्टिवाइटिस के लक्षण वो किस प्रकार है उस पे डिपेंड करते हैं। तीन तरह के कंजक्टिवाइटिस होते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस गुलाबी आंख का सबसे आम प्रकार है। यह कंजक्टिवाइटिस बहुत संक्रामक है और अक्सर स्कूलों या फिर अन्य भीड़ भरे स्थानों से फैलता है। यह आमतौर पर आंखों में पानी भरने के साथ जलन, लाल आंखों का कारण बनता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी बहुत संक्रामक है। बैक्टीरिया से होने वाला संक्रामक गुलाबी आंख के इस रूप का कारण बनता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस आंख के साथ आपके पास बहुत चिपचिपा पस के साथ लाल आंखें हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जी कंजक्टिवाइटिस एक प्रकार की गुलाबी आंखें हैं जो किसी चीज की एलर्जी से प्रतिक्रिया से आती है। ये संक्रामक नहीं है। एलर्जिक गुलाबी आंख आपके आंखों को बहुत खुजली, लाल और पानीदार बना देती है और पलकें झपक सकती है। पिंक आई ट्रीटमेंट। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस से बचने का पहला कदम अगर मुमकिन हो तो आंख को इरिटेट करने वाले तत्वों को निकाले या उनसे दूर रहे। हालांकि कुछ मामलों में आंखों पे कूल कॉम्प्रेस करने से और भीगे कपड़े आंखों पर रखने से आराम मिल सकता है। ज्यादा गंभीर मामलों में नॉन स्टेरॉयडियल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एंटी हिस्टामाइन्स भी दिए जा सकते हैं। लगातार एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होने की समस्या झेल रहे लोगों को टॉक्सिक स्टेरॉइड आई ड्रॉप की भी जरूरत होती है। यदि आपकी गुलाबी आंख एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है तो आपके ऑप्थोमोलॉजिस्ट एंटीबायोटिक आई ड्रॉप लिख सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लक्षण कितने गंभीर है। एंटीबायोटिक्स वायरस या एलर्जी के कारण होने वाले संक्रमण का इलाज नहीं करते हैं। यदि आपके कंजक्टिवाइटिस एलर्जी का कारण है तो आपको खुजली और पफिनेस के साथ कुछ आई ड्रॉप्स का उपयोग करने के लिए कहा जा सकता है। हाउ टू स्टॉप इट फ्रॉम स्प्रेडिंग। आंखों को हाथों से नहीं छुए, अच्छी तरह और बराबर अपने हाथ धोए, रोजाना अपना तौलिया और कपड़े बदले और उसे किसी भी अन्य के साथ शेयर नहीं करे। आंखों पे कॉस्मेटिक्स का प्रयोग बंद कर दे। किसी अन्य व्यक्ति के आई कॉस्मेटिक्स या उनके पर्सनल आईवेयर चीजों का इस्तेमाल नहीं करें। कॉन्टेक्ट लेंस की सही देखभाल के लिए आंखों के डॉक्टर की सलाह माने। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी कंजक्टिवाइटिस के बारे में। और अब आपको भी पता है कि आपको अगर कंजक्टिवाइटिस होता है तो आपको उससे कैसे बचना है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।